दोस्तों अब मैं बिल्कुल डैम के पास आ चुका हूँ आप दोस्तों के लिए। दोस्तों अब मैं जड़ीकास पार्क में पहुँच गया हूँ, तो अब मैं दूसरी तरफ आ गया हूँ। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों मेरी बैक साइड पे देखें, ये कुछ बना हुआ था, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, अली खान कश्मीरी। दोस्तों जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों आज मैं जा रहा था मीरपुर की तरफ, तो मैंने देखे ये बैर, आप देखें, देखिए कितने प्यारे लग रहे रास्ते में मुझे मिले। मैंने कहा चलो मैं अपने दोस्तों से शेयर कर लूँ। मैं टेस्ट करता हूँ एक, ये भी कश्मीर का एक छोटा सा फल है जिसे हम कहते हैं बैर। टेस्ट करता हूँ, पक्का बताता हूँ, ये है पक्का। इनके साथ छोटे छोटे कांटे भी होते हैं, ये कांटे देख सकते हैं। आह क्या बात है, माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा टेस्ट है इसका। और ये पीछे इसका वो गिर गया, ये इसका बीज होता है, बीज इसके बीज ही होता है। तो चलो अब चलते हैं मीरपुर की तरफ। दोस्तों अब मैं जड़ीकास पार्क में पहुंच गया हूँ, तो मेरी बैक साइड पे देखें पार्क माशाल्लाह से कितनी प्यारी लग रही है। व्यू चेक करें, कितना प्यारा व्यू आ रहा है माशाल्लाह से। देखें कितने दूर दूर से लोग आए हैं यहाँ पे जड़ीकास पार्क में इंजॉय करने के लिए। तो इधर डैम के तरफ भी, डैम का व्यू भी मैं आपको करा देता हूँ विज़िट। देखें ये डैम भी माशाल्लाह से बहुत प्यारा लग रहा है, और पहले तो बहुत ज़्यादा था डैम, अब कम हो चुका है माशाल्लाह से। देखें कितना प्यारा व्यू आ रहा है, वाह क्या बात है। तो अब चलो दोस्तों चलते हैं शहर की तरफ, तो उधर का भी मैं विजिट करा देता हूँ आपको। तो मैं पुल के पास पहुंच गया हूँ, तो मैं आपको अब डैम दिखाता हूँ। पहले बहुत ज़्यादा था, वहाँ ऊपर तक था, तो अब डैम कम हो रहा है। दोस्तों वो मस्जिद भी डूबी हुई थी, वो आप देख लें मस्जिद, और ये घर भी डूबे हुए थे। ये जिधर तक पानी के निशान है ना, ये यहाँ तक डैम था। दोस्तों आप देखें कम हो चुका है डैम। तो चलो मैं दूसरी तरफ चलता हूँ, तो आपको दिखा देता हूँ। तो अब मैं दूसरी तरफ आ गया हूँ, तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ। ये कब्रिस्तान भी डूब गया था, इस पानी की नज़र हो गया था। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह से जो लोग यहाँ से चले गए थे ना, वो वापस आ रहे हैं यहाँ पे, अपने घरों में बस रहे हैं। तो देखें माशाल्लाह से व्यू भी कितना प्यारा आ रहा है सूरज का। तो चलो चलते हैं आगे की तरफ, तो मैं आपको आगे भी और मकान दिखा देता हूँ जो डूबे थे पहले। दोस्तों अब मैं बिल्कुल डैम के पास आ चुका हूँ आप दोस्तों के लिए। मैंने कहा चलो आप अपने दोस्तों को दिखा देता हूँ। ये जिस जगह में मैं खड़ा हूँ ना, ये डैम ने ये सारी जगह घेरी हुई थी, ये जगह डूबी हुई थी मुकम्मल। दोस्तों अब तो डैम बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, तो देखें माशाल्लाह से कितना प्यारा लग रहा है। वो बीच तक माशाल्लाह से कश्तियाँ गई हैं, दूर दूर से आए लोग इंजॉय करने यहाँ पे डैम के किनारे में। माशाल्लाह से देखें कितना प्यारा व्यू लग, माशाल्लाह से देखें कितना प्यारा व्यू है। दोस्तों अब मैं आपको दूसरी तरफ से दिखा देता हूँ, यहाँ से भी डैम का पानी ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे भी है था माशाल्लाह से। आप देखें कितनी प्यारी जगह लग रही है, बहुत खूबसूरत जगह होगी है। तो चलो आगे तक चलता हूँ, मैं आगे भी आपको विज़िट करा देता हूँ
माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत जगह है मीरपुर की, मीरपुर आज़ाद कश्मीर की। बहुत दूर से लोग आए हैं यहाँ एंजॉय करने के लिए। दोस्तों मेरी बैक साइड पे देखें, ये कुछ बना हुआ था, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। इसके ऊपर एक परिंदा बैठा हुआ है, माशाल्लाह से देखें कितना प्यारा लग रहा है परिंदा, आराम सुकून से बैठा है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। तो दोस्तों उस तरफ आप देखें, माशाल्लाह से ये आप देख सकते हैं बंदे, तीन आदमी हैं यहाँ पे इस छोटी सी कश्ती में बैठे हैं। दोस्तों मैं आपके लिए इतनी प्यारी प्यारी सी और नई नई वीडियो लाता हूँ, लाइक फॉलो और शेयर लाजमी कर देना, दुआओं में भी मुझे ज़रूर याद रखना, और मिलते हैं आप नए व्लॉग में।